अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स सी एस 602 का लेक्चर नंबर 11। पिछली वीडियो में हमने लेक्चर नंबर फाइव से लेके टेन तक कवर किए थे। अब हम 11 से 15 करेंगे। फाइव लेक्चर जो है वो हम कवर कर रहे हैं। पहले हमने लेक्चर नंबर 1 से 5 तक किए थे, फिर हमने जो है वो अगले लेक्चर भी अपलोड कर दिए थे, और अब हम इसकी थर्ड वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2D ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, तो इसमें से एक आपका शॉर्ट लॉन्ग ज़रूर आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर्स और MCQs दोनों के लिहाज से ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताइए कि तीन तरह की होती हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग। अब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अब हम इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ट्रांसलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। हमारे पास जो फर्स्ट है ट्रांसलेशन, वो इंडिपेंडेंट है, जबकि रोटेशन और स्केलिंग ये दोनों ट्रांसलेशन पर डिपेंड करती हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है MCQs के लिए कि ट्रांसलेशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन रोटेशन और स्केलिंग जो है वो ट्रांसलेशन पर डिपेंड करती हैं। अब देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होती है। तो ट्रांसलेशन एक डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिनल प्लेस से, यानी कि ओरिजिनल जगह से उसको हटाना किसी भी पॉइंट को, और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जीरो पे हैं तो यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगे। आपको यहाँ पर डायग्राम में भी ये लोग शो कर रहे हैं कि जीरो है, तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी कि यहाँ से जो डॉट है, कोई भी आप कह दें कि एक डॉट है, एक पॉइंट है, वो यहाँ से जो है वो स्ट्रेट लाइन में सीधा होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट होती है, उसको हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन हुई है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिनल प्लेस से सीधी लाइन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने फॉर्मूला दिया हुआ है आपको कि एक्स बार को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा। एक्स में आप टी एक्स प्लस करेंगे, टी एक्स हमारे पास ट्रांसलेशन वाला एक्सिस है, और वाई बार को फाइंड आउट करने के लिए वाई प्लस टी एक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टी एक्स 2 दिया हुआ है, टी वाई आपको 3 दिया हुआ है। टी एक्स आपके पास 2 है, 3 है, तो ये आपको अगर ऐसे वैल्यूज़ दी हुई हों तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके इन सारी वैल्यूज़ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है छोटा सा, जिसमें आपको वैल्यूज़ दी होंगी, तो आपने फॉर्मूला याद रखना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको कंबाइनली फॉर्मूले को ऐसे लिखा है कि पी प्लस टी करना है हमने यहाँ पे इनको, फिर उसके बाद मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखा है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स पढ़ा था, तो पी का मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स और वाई। पी जो है हमारे पास पी प्राइम का जो मैट्रिक्स है वो एक्स प्राइम और वाई प्राइम है, और फिर टी का मैट्रिक्स टी एक्स और टी वाई है। आपने इनकी मैट्रिक्स फॉर्म भी याद रखनी है, ये भी आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद है जी, एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटेड बाय द सेम अमाउंट। जितना भी पॉइंट आपके ट्रांसलेटेड होंगे वो सेम अमाउंट से ट्रांसलेट होंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन कैन बी ट्रांसलेटेड बाय अप्लाइंग द अबव ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टू ईच ऑफ द लाइन एंड पॉइंट एंड रीड्राइंग द लाइन बिटवीन द न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। बस आपने याद रखना है कि ट्रांसलेशन सीधी लाइन में होती है और वो अपने ओरिजिनल प्लेस से किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट होती है। इसका फॉर्मूला क्या है वो आपने याद रखना है। उसके बाद सेकेंड है रोटेशन। अब रोटेशन 2 डायमेंशनल होती है। ये ऑब्जेक्ट पे तब होते हैं जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से जो है वो सर्कुलर मूवमेंट में घूमती है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि अपनी ऑब्जेक्ट अपनी सिंपल जगह से चेंज होकर सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है। जैसे सिंपल हम किसी चीज़ को रोटेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है रोटेशन, कि इसमें ऑब्जेक्ट रीपोजिशन हो रही है अपनी ओरिजिनल प्लेस से सर्कुलर पाथ में। तो इसको रोटेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं और रोटेशन का एंगल है वो हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो रोटेशन इज परफॉर्म अराउंड अ फिक्स पॉइंट, जिसको हम पीवियड पॉइंट भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई एक फिक्स पॉइंट ले लेगी, उसके इर्द गिर्द जो है वो रोटेशन गोल गोल जो है वो घूमेगा, तो वो हमारे पास जो फिक्स पॉइंट होगा उसको हम पीवियड पॉइंट कहेंगे। और यहाँ पे हमें एक एंगल भी बनेगा, तो हमें एंगल भी चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है इन्होंने कि एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 बना है, तो ऐसे एंगल भी इसके अंदर होता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, आपने इनकी डेफिनेशन और इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। इसका फॉर्मूला क्या है कि आर कॉस थीटा एंड वाई और फिर आर साइन थीटा। इसको अगर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है इस फॉर्मूले को, और इसकी इस वाली फॉर्म भी दिए हुए वेक्टर फॉर्म, तो ये भी आपने याद रखनी है। और मैट्रिक्स फॉर्म तो सबके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चन आए हुए होते हैं इससे रिलेटेड। तो वो आप देखें, पी प्राइम वापस वही आ गया। अब इसमें आर की वैल्यू जो है हमें क्या हमने किया हुआ है कि पी प्राइम को फाइंड आउट करने के लिए आपने आर और पी का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, अब आर आपको बताना चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा और कॉस थीटा है, और पी जो हमारे पास है वो एक्स वाई है। हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल दिया हो जिसके अंदर जो है वो आपको थीटा की वैल्यू दी हो, थीटा की वैल्यू दी होगी और एक्स वाई की वैल्यू दी होगी। तो आपने कैसे फाइंड आउट करना होगा, पी प्राइम, पी प्राइम को फाइंड आउट करने के लिए कॉस थीटा की जगह आप पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। जैसे कि आपको 90 अगर दी हुई है तो कॉस 90 माइनस साइन 90, साइन 90 या फिर कॉस 90। जब आपको ये फॉर्मूला ये आता होगा ये मैट्रिक्स कि किस तरह इसको पुट करना है, तो आप थीटा की वैल्यू आराम से यहाँ पे पुट करेंगे, फिर पी की जगह एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ था।
अब यहाँ पर देखें कि इसका जो हमने ट्रांसपोज लिखा है, तो ये बिल्कुल मैट्रिक्स की जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था ट्रांसपोज, अगर आप पी प्राइम का लेंगे तो आर डॉट पी का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज है तो वो हर वैल्यू पर ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें से इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है स्केलिंग। अब स्केलिंग जो तुम्हारे पास तीसरा है वो क्या है, अब स्केलिंग में क्या होता है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो साइज़ चेंज होता है ऑब्जेक्ट का, मतलब उसका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है या फिर डिक्रीज़ हो जाता है अपने ओरिजिनल साइज़ से। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत छोटा सा है, ये आप देखें इसको इन्हें बड़ा बनाकर आपको दिखाया हुआ है, तो साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जब हम करेंगे तो वो स्केलिंग आ जाती है। अब स्केलिंग रिलेट करती है साइज़ के साथ। अब यहाँ पर आपको एस ऑफ एक्स दिया हुआ है कि 3 है, एस वाई आपके पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं आपको बस ये याद करना है कि स्केलिंग में क्या होता है कि साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। और फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है कि एक्स प्राइम है, फिर एक्स डॉट एस एक्स है, फिर वाई डॉट एस वाई है। आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई होंगी, अगर आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल आता है तो आपको सारी वैल्यूज़ दी होंगी, तो ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें पी प्राइम वही है मेरे पास जो हमने पीछे देखा था, बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पर एस की जगह क्या होगा, पी वाला भी देखें एक्स वाई वही है और बीच में डॉट प्रोडक्ट भी है इनका। अब आपने एस को याद रखना है कि स्केलिंग के अंदर एस जो है वो किस तरह से उसकी हम मैट्रिक्स लिखेंगे। एस एक्स है, फिर ज़ीरो है, फिर ज़ीरो है और एस वाई है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वो होता है, क्या कहते हैं उसको, जैसे एक वो मैट्रिक्स होता है जिसमें यहाँ पे 1 1 लिखा होता है, मुझे नाम याद नहीं है उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो 1 1 की जगह आपने एस एक्स और एस वाई लिख दिया और बाकी आपने 0 0 यहाँ पे लिख दिया डायगनली। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 यहाँ पे 1 1 हम लिखते होते थे, तो उसकी जगह यहाँ पर एस एक्स और एस वाई लिख दिया है जो आपका स्केलिंग का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं कि नाउ वी हैव अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्केलिंग फैक्टर, के हमारे पास डिफरेंट वैल्यू, अगर फैक्टर तो 1 से छोटा होता है, ठीक है। फैक्टर अगर छोटा है 1 से तो ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा, अगर तो जो है 1 बड़ा हो गया फैक्टर से, ठीक है। फैक्टर अब छोटा है और 1 बड़ा है, अगर 1 बड़ा है तो वो ऑब्जेक्ट का साइज़ डिक्रीज़ होगा, अगर 1 छोटा है तो वो इंक्रीज़ होगा। 1 छोटा है इंक्रीज़ होगा, 1 बड़ा है डिक्रीज़ होगा। तो ये भी एम सी क्यू उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये एम सी क्यू पेपर में आया हुआ था पहले। उसके बाद हम देखते हैं इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 12 भी उसी से रिलेटेड है, उसी का कंटिन्यूस पार्ट है, उसको देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको तीनों अगठे हमने लिख के दे दिए, जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन का फॉर्मूला देखिए, जो भी हमने पीछे देखा था पी प्लस टी है, तो इसमें देखिए प्लस का हो रहा है ऑपरेटर। रोटेशन के अंदर हमने आर और पी को मल्टीप्लाई किया है और स्केलिंग के अंदर भी हम एस और पी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पी हमारे पास एक्स वाई है और आर और एस हमारे पास रोटेशन का वो मैट्रिक्स है और एस हमारे पास स्केलिंग का मैट्रिक्स है। तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एम सी क्यूज में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी, और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनको और भी इनके फॉर्मूलेज को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि अगर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के साथ अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए उसके बाद आपके 3 मैट्रिक्स इंक्लूड हो जाएंगे, जिसको एब्रिविएट करके हमने दिखाया है कि अब हमारे पास टी डॉट पी है, तो टी एक्स और टी वाई हमारे पास इंक्लूड हो गए। अब इसकी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन गई है, उन्होंने 1 को इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड कर दिया है और आप देखें मैट्रिक्स भी बदल गई है, टी एक्स और टी वाई यहाँ पर आ गए, यहाँ पर 1 है और बाकी यहाँ पर 1 1। आप देखें डायगनल में हमारे पास 1 1 है, ये डायगनल में 1 1 3 1 1 है, ठीक है। डायगनल में हमने 1 1 रखने, इस साइड हमने टी एक्स टी वाई रखने, बाकी जगह हमने 0 पुट करने, इस तरह से आप ये मैट्रिक्स याद कर सकते हैं। उसके बाद अब हम रोटेशन के होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। रोटेशन में कोऑर्डिनेट्स हमने पीछे देखे थे तो वो इतने थे, ठीक है, यहाँ तक था। अब इसमें क्या हो गया, इसमें अब हमने तीसरा मैट्रिक्स लेकर आना है, तो यहाँ पर 0 0 बना दिया और यहाँ पर 1 बना के हमने इसके मैट्रिक्स को इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। और यहाँ पर इसको जो एब्रिवेट किया है वो हमने क्या किया, आर थीटा डॉट पी से, जो हमने पीछे देखा था कि अब हमारे पास यहाँ पर थीटा भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो इसका क्या, अगर आपको वैल्यूज दी हुई होंगी तो आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में आपसे सिंपल पूछा हुआ है स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसलेशन, या फिर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स के साथ पूछा हुआ है। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का स्केलिंग भी देखें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर अब एक और मैट्रिक्स इंक्लूड हो गया, एस एक्स एस वाई है और यहाँ पर 1 आ गया और बाकी सब जगह आपने 0 0 पुट कर देना है और यहाँ पर भी हमारे पास 1 है एंड पे। इसको एब्रिवेट करके छोटा करके भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको छोटा करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास ये जो है रोटेशन, स्केलिंग और ट्रांसलेशन है, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने क्वेश्चन में देखना है। आपसे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स से पूछे जा सकते हैं, आगे एक और दफ़ा भी आएंगे ये मैट्रिक्स, हम उनको भी देखेंगे, तो आपसे ये पूछी जा सकती हैं। उसके बाद ये उन्हीं को डिस्क्राइब किया हुआ है और यहाँ से ये एम सी क्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एम सी क्यू आया हुआ था कि इफ़ वी वर और ट्रिपल द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस इन सक्सेशन, तो उसके बाद जो फाइनल साइज होगा वो क्या होगा, वो 9 टाइम्स होगा ओरिजिनल साइज़ के, ठीक है। वो ओरिजिनल साइज़ के जो है वो 9 टाइम्स होगा। उसके बाद जनरल पीवियड भी ये भी है कि ट्रांसलेशन पॉइंट का जो पीवियड होता है वो उसके ओरिजिनल पोजीशन से, हमने देखा था कि एक पॉइंट रख लेते हैं उसके बाद हम उसमें रोटेट करते हैं। इसी फॉर्मूले को आगे उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपने याद नहीं करनी है, आपने बस उसका जो फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ा है उसी को याद रखना है।
अब कॉन्कैटिनेशन दी हुई है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि जिसमें हमने दो मैट्रिक्स को कंबाइन किया होता है। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, अब देखें ए बी डॉट बी डॉट सी है तो इसको दूसरा लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे इसके बराबर करके। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है जो हमने पिछले लेक्चर्स में मैट्रिक्स को पढ़ा था। अब जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होता है ए बी का, वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता, ये जनरल बात है। तो ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं कि ए बी का मैट्रिक्स बी ए के इक्वल है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है क्योंकि ये इक्वल नहीं होता, ए ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर कभी भी नहीं होता। तो कॉन्कैटिनेशन में हमने दो मैट्रिक्स को प्लस करके जो है वो एक तरह से उन दोनों को मिला के लिखा है। उसके बाद ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास जो हमने पीछे पढ़ी थी वही इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद यहाँ पर हमें अदर ट्रांसफॉर्मेशन में दो ट्रांसफॉर्मेशन बताई हैं जिसमें रिफ्लेक्शन और शेयर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने तीन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी हैं, अब हम दो और पढ़ते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन है और शेयर है। रिफ्लेक्शन यही वही जैसे मिरर इमेज हम किसी ऑब्जेक्ट की बनाते हैं तो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जैसे कि मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो वही रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जो मिरर इमेज होती है वो टू डायमेंशनल होती है, वो अपने याद रख रहे हैं कि टू डायमेंशनल है, उसका जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है रिफ्लेक्शन एक्सिस के अराउंड। तो रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी इमेज की मिरर इमेज होती है। अब इसको हम मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। इसको अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 0 तो सेम ही रहेंगे लेकिन जो माइनस का साइन है वो ख़त्म होकर प्लस का साइन बन जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर सिंपल 1 था, जब इसका मिरर बनाएंगे मिरर इमेज बनाएंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब ये -1 है तो इसका मिरर इमेज होगा तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी और का कोई साइन है तो वो भी हम चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास मिरर इमेज हो गया। उसके बाद शेयर है। अब शेयर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि वो ट्रांसफॉर्म शेप जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी शेप को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देती है, यानी कि उसको ख़राब कर देती है, तो वो हमारे पास शेयर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए, आर ट्रांसफॉर्मेशन दैट डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द ट्रांसफॉर्म शेप अपेयर एज इफ द ओरिजिनल वर कम्पोज ऑफ इंटरनल लेयर्स दैट हैड बीन कॉज टू स्लाइड ओवर ईच अदर इज कॉल्ड अ शेयर। तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर डेफिनेशन भी आपको शॉर्ट्स में पूछ लेते हैं, तो अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लग रही है तो आप गूगल पे बिल्कुल शेयर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख के सर्च करें, और अगर आपको वहाँ से कोई सिंपल डेफिनेशन मिल जाती है तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल, इसकी मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है और उसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें शेयर के लिए एस एच को लिख दिया इन्होंने, आपने याद रखना है कि स्केलिंग के लिए सिंपल एस है हमारे पास और शेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसके साथ एच को लगा दिया गया है। उसके बाद ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही गार्ड कर रही हूँ। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 13 आ जाता है। लेक्चर नंबर 13 जो है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक टेबल को डिज़ाइन करने के लिए कुछ आपको टेक्निक्स बताई हुई हैं कि अब हमने जो ऊपर चीज़ें सारी पढ़ी हैं उनसे हम एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए जितने भी आपको ये दिए हुए उन्होंने सारे कोडिंग दी हुई है यहाँ पे आपको, जो कोडिंग पेपर में इस तरह नहीं आती, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 13 भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें सारी कोडिंग दी हुई है, देख सकते हैं आप ये वॉइड स्केल है, पेन इंडेक्स है, इंट वाई है, तो इस तरह से ये कोडिंग नहीं आती। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 और 15 दोनों क्लिपिंग पे हैं। क्लिपिंग का पार्ट 1 देखते हैं वो क्या है, फिर पार्ट 2 देखेंगे। अब क्लिपिंग में क्या हो रहा है कि हम अब जो है वो कट कर रहे हैं, क्लिपिंग मतलब कट ही होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्लिपिंग भी हम देखेंगे और बाकी हम क्लिपिंग भी इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, आपको कुछ ने लाइन क्लिपिंग करके दिखाई है कि ऐसे हमारे पास ये है, तो यहाँ तक अगर आपका ये कट हो रहा है तो ये बाकी का पॉइंट जो है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वो क्लिप होके कट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है वो इंक्लूड होगा। अब जैसे यहाँ पर एफ ई को देख लें तो यहाँ से ये पॉइंट कट हो रहा है, तो ये जो एंड वाला पार्ट है ये क्लिप हो रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ एफ वाला पार्ट हम इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास ये क्लिपिंग का लाइन इंक्लूड होता है। उसके बाद पॉइंट क्लिपिंग भी बताई हुई है आपको कि पॉइंट क्लिपिंग किस तरह से होती है, लाइन क्लिपिंग किस तरह से होती है। उसके बाद यहाँ पर जो इसके एमसीक्यूज़ के लिए तो ये पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिवियल एक्सेप्ट और ट्रिवियल रिजेक्ट, ये आपको अक्सर एमसीक्यू से मिलेंगे, आपको मिड में मिलेंगे, तो ये आपने याद रखने के ट्रिवियल एक्सेप्ट कब है और रिजेक्ट कब है। एक्सेप्ट तब होगा जब सेव अ लाइन विद बोथ एंड पॉइंट इनसाइड ऑल क्लिपिंग बाउंड्रीज के, इनसाइड अगर आपके दोनों पॉइंट्स हैं दो एंड पॉइंट्स हैं वो इनसाइड द बाउंड्री हैं तो वो ट्रिवियल एक्सेप्ट होगा क्योंकि वो अंदर है बाउंड्री के तो कोई कटिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर वो एंड पॉइंट्स आउटसाइड हैं क्लिपिंग बाउंड्री के बाहर हैं तब क्या होगा, हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा लाइन को, यानी कि उसे काटना पड़ेगा, तो वो हमारे पास ट्रिवियल रिजेक्ट हो जाएगा जब उसे हम कटआउट करेंगे। उसके बाद पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन भी दी हुई है, तो ये भी पेपर में अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि किस तरह से आपने इसको लिखना है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस यू, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके इन लेक्चर्स में, तो आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने, आपको न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे आ सकते हैं इन फॉर्मूला से। उसके बाद हमारे पास है कोहिनसन। अब हम कोहिन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को देखते हैं। इसकी एफिशिएंट एल्गोरिथम क्रिएट किया गया था जिसके जरिए से हम लाइन को क्लिप करते थे। इसमें क्या होता है कि एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर चेक्ड ऑफ अ ट्रिवियल एक्सेप्टेंस और ट्रिवियल रिजेक्ट, जो हमने देखा था उसे हमने चेक करना है कि वो ट्रिवियल एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें ये वाला इसका कुछ हिस्सा से इसका टेबल होता है, आपको टेबल ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, तो यहाँ पे अगर आप देखें इन्हें एक पॉइंट्स हम कुछ लिए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अगर पॉइंट से आउट हैं कुछ पॉइंट जो है वो बाउंड्री से बाहर हैं वो तो ट्रिवियल रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ अंदर हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं।
तो अब यहाँ पर देखें बिट वन इनने कहा है कि आउटसाइड हाफ प्लेन ऑफ अ टॉप एज, बिट टू आउटसाइड हाफ प्लेन ऑफ अ बॉटम एज, ये भी एमसीक्यूज में आता है, बिट थ्री आउटसाइड ऑफ अ हाफ प्लेन ऑफ राइट एज, और बिट फोर क्या है, तो बिट फोर आउटसाइड द हाफ प्लेन फ्रॉम लेफ्ट एज। तो ये जो बिट वन टू थ्री आप देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से, बिट वन, बिट टू और बिट थ्री और बिट फोर, ये एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं कि बिट वन, और उसके बाद आपको आगे बता दिया जाता है कि ये जो है ना पूरा एज इट इज़ ये लाइन्स आती हैं आपके एमसीक्यूज के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको माइंड में आपने बिल्कुल ऐसे बिठा लेना है कि जैसे बस अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि बिट वन है तो वो क्या है कि आउटसाइड ऑफ अ हाफ प्लेन हो रहा है टॉप एज से, बिट टू जो है वो आउटसाइड अ हाफ प्लेन हो रहा है बॉटम एज से, और बिट थ्री जो है वो हाफ प्लेन हो रहा है राइट एज से, और बिट और फोर हमारे पास है आउटसाइड हाफ प्लेन ऑफ लेफ्ट एज से। ठीक है, लेफ्ट एज है, राइट एज है, बॉटम एज है और टॉप एज है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, इसमें भी आपको बताया जा रहा है। इसकी कंक्लूजन क्या थी, अब हमारे पास ये एफिशिएंट था, बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम था, व्हेन आउटकोड टेस्टिंग कैन बी डन चीपली हो सकती थी इसके अंदर, लेकिन ये इतना भी अब अच्छा नहीं था कि इसको यूज़ किया जा सके, तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, तो इसके लिए एक और लाइन एल्गोरिथम को बनाया गया था जिसे हम लियांग बार्स्की एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये जो बार्स्की एल्गोरिथम था इसमें क्या था कि ये फास्टर था लाइन क्लिपर के अकॉर्डिंग, ये बहुत ही फास्ट एल्गोरिथम था जिसके अंदर ये कुछ इक्वेशन की हेल्प से जो है फाइंड आउट करता था, ये इक्वेशन हमें जो पीछे देखी थी पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये वही है, तो इसकी हेल्प से जो है वो ये फाइंड आउट करता है इस एल्गोरिथम को, इस एल्गोरिथम को बनाया था जो है वो, जो है वो इस साइंटिस्ट ने जो है इसको बनाया था, सेवेस और बैक ने इस एल्गोरिथम को डेवलप किया था जो बहुत ही एफिशिएंट था एज़ कम्पेयर टू कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम। और फिर इसका जो ये क्यों इतना वो हाई अच्छा था, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था डिवाइस इवन फास्टर पैरामेट्रिक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, और फिर इसकी अप्रोच में कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लाइन बार्स्की एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या था, तो वो ये कुछ इस तरह था, इन इक्वालिटीज़ को इंक्लूड करके, तो उन्होंने इसको और भी आसान बना दिया था इन इक्वालिटीज़ को इंक्लूड करके इस एल्गोरिथम को। उसके बाद कंक्लूजन है, अब कंक्लूजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों एल्गोरिथम के आखिर में इनको कंक्लूड कर दिया गया है कि दोनों एल्गोरिथम में क्या आखिर में बात हुई थी, तो जनरल में कि जो है लियांग बार्स्की एल्गोरिथम मोर एफिशिएंट था कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम से, क्योंकि इससे इंटरसेक्ट कैलकुलेशन को रिड्यूस कर दिया था, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट भी, दोनों का कॉन्ट्रास्ट भी आपको दिखा रहे हैं कि कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम रिपीटली कैलकुलेट करता था इंटरसेक्शन को अलॉन्ग अ लाइन पाथ, इवन सो द लाइन में बी कंप्लीटेड आउटसाइड द क्लिप विंडो एंड ईच इंटरसेक्शन कैलकुलेशन रिक्वायर द बोथ डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो बोथ एल्गोरिथम थे ये एक्सटेंड किया गया था इनको फिर थ्री डायमेंशनल क्लिपिंग के लिए, अभी तो हम सिर्फ लाइन क्लिप कर रहे हैं तो वो टू डायमेंशनल है, इनको आगे फर्दर भी किया गया था। तो अगर आप इन एल्गोरिथम्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इन दोनों एल्गोरिथम को, तो आपको इनकी ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, अगर आप डिटेल में इनको पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आई तो ये आप एल्गोरिथम जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे सिंपल जाके कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम लिखें और लियांग बार्स्की एल्गोरिथम लिखें तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं अगर आपको ये समझ नहीं आई तो। उसके बाद पॉलीगोन क्लिपिंग की बात करेंगे, ये भी क्लिपिंग वाली पॉइंट्स है, अब हमने पॉलीगोन को क्लिप करना है, इनके कट करना है, तो पॉलीगोन में पता है कि इसमें कुछ वर्टिस होते हैं, कुछ एजेस होते हैं, वो एक क्लोज फिगर होती है, तो इसके अंदर जो सदरलैंड हॉजमैन क्लिपिंग एल्गोरिथम था वो किसी भी पॉलीगोन को क्लिप कर सकता था अगेंस्ट अ कॉन्वेक्स क्लिप पॉलीगोन। उसके अलावा हमारे पास एक विलर एथरोटॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम था जो क्लिप कर सकता था एल्गोरिथम को अगेंस्ट एनी क्लिप पॉलीगोन, एनी क्लिप पॉलीगोन, आपने इसको याद रखना है कि ये कॉन्वेक्स क्लिप पॉलीगोन के अगेंस्ट जो है वो एल्गोरिथम को जो है वो कट आउट करता था। अब इन दोनों जो एल्गोरिथम्स हैं इनको भी हम आगे देखेंगे, तो ये पॉलीगोन है, अब देखें लाइन रेक्टेंगल क्लिप हम जो है वो क्लिप हम रेक्टेंगल कर रहे हैं यहाँ से, तो देखें सिर्फ ये वाला एरिया इंक्लूड होगा हमारी क्लिपिंग में, जो बाहर का जितना भी एरिया है वो सारा कट हो जाएगा। यहाँ पे इन्हें आपको कट करके दिखाया भी है कि आप अब देखें जो हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर जो वैल्यू थी, जो चीज़ थी, जो हमारे पास पॉलीगोन था वही बचेगा, आउटसाइड जो जितना भी है ये सारा पार्ट इसका कट हो गया, तो यही क्लिपिंग है। तो अब हम पॉलीगोन को भी क्लिप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे इन्हें आपको कुछ और डायग्राम्स के थ्रू भी क्लिपिंग दिखाने की कोशिश की है, कि जैसे कि अब ये वाला अगर हम इसको देखें, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से देख सकें। अच्छा ये वाला आप देखिए, आप ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये वाला आउट है, तो आगे आप देखिए नेक्स्ट फिगर में उन्होंने उस वाले पार्ट को बाहर से कट कर दिया है। अब ए वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पार्ट जो है वो हमारे रेक्टेंगल के बाहर है, हमने रेक्टेंगल क्लिपिंग के अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके अंदर जितने हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, जितने पॉइंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, जो बाहर रह गए हैं वो कट हो जाएंगे। तो ये देखिए जितने भी पॉइंट्स इसके बाहर थे वो यहाँ पर अब हमारे पास कट होकर हमारे पास इस फिगर में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीगोन की क्लिपिंग एल्गोरिथम्स हैं, इनको हम ऐसे कैसे जो है वो कटआउट कर सकते हैं। सदरलैंड और हॉजमैन एल्गोरिथम का हमारे पास दोबारा से हमने बताया कि डिवाइड और कंकर टेक्निक्स को स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करता था, जिसके अंदर फोर एजेस होते थे क्लिप एज, और उसमें बाउंड्री रखी जाती थी, रेक्टेंगल बनाया जाता था, और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स थे उनको काट कर दिया जाता था, ठीक है, उनको कट कर दिया जाता था, उन्हें काट के हमने जस्ट स्टेप बाय स्टेप हम करते थे।
अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके चार केसेस हैं, ये आपके एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। केस वन देखें, इसमें क्या है कि होली इनसाइड विजिबल रीजन है जिसमें एंड पॉइंट सेव कर दिए हमने। केस टू में एग्जैक्ट विजिबल रीजन है, सेव द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद होली आउटसाइड विजिबल रीजन है और इंटर द विजिबल रीजन, सेव इंटरसेक्शन एंड एंड पॉइंट। सो ये इसके जो चार केसेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एमसीक्यू के लिहाज से, और शॉर्ट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप चार केसेज बताएं पॉलीगॉन क्लिपिंग के। तो पॉलीगॉन क्लिपिंग के चार जो है वो ये थे। उसके बाद और भी आपको एग्जांपल्स हमने बताई हुई है। अब यहाँ पे स्टार को देखें, अगर हमें स्टार को क्लिप करना है तो रेक्टेंगल में हमारे पास स्टार की ये वाली वैल्यूज आएंगी, जो ऊपर की जो एजेस हैं वो बाहर रहेंगे। तो जब एजेस बाहर रहेंगे तो वो पॉलीगॉन के कट हो जाएंगे, जैसे कि आपको इन्हें बारी बारी कट करके दिखाया है। क्या देखिए, लेफ्ट क्लिप किया है, नेक्स्ट मैंने राइट क्लिप किया है, फिर इन्हें बॉटम क्लिप किया है, उसके बाद इन्होंने टॉप क्लिप किया है। तो बारी बारी आपको करके दिखाया गया कि सबसे क्लिप करने के बाद आपको किस तरह से ये दिखाई देगा। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल वो पूछ नहीं सकते, इतना आगे इतने बड़े बड़े आपको डायग्राम्स दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। उसके बाद दूसरा एल्गोरिदम आ गया था, कन्वेक्स पॉलीगॉन जो थे वो क्लिप तो कर सकता था ये एल्गोरिदम, लेकिन कॉनकेव पॉलीगॉन्स को ये अच्छे से क्लिप नहीं कर पा रहा था, ठीक है। हमने पिछले छह लेक्चर्स में पढ़े थे कि दो तरह के पॉलीगॉन हमारे पास, कॉनकेव पॉलीगॉन है और कन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब कन्वेक्स पॉलीगॉन तो क्लिप हो रहा है इस फॉर्मूले से, इस एल्गोरिदम से, लेकिन कॉनकेव नहीं हो रहा। तो इसमें क्या फिर होगा, अब एक और फार्मूला, एक और एल्गोरिदम जो है वो ड्राइव हो गया था, जैसे वेलर अर्थर टून पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम कहते हैं। अब ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें वर्टेक्स प्रोसेसिंग प्रोसीजर को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया था, ताकि इसमें कॉनकेव पॉलीगॉन को करेक्टली जो है वो डिस्प्ले कर सके, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कॉनकेव के लिए बनाया गया था और वो कन्वेक्स के लिए बेस्ट था। कौन सा एल्गोरिदम किस पॉलीगॉन के लिए बेस्ट था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो इस क्लिपिंग एल्गोरिदम को डेवलप किया गया था ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि विजिबल सरफेस क्या है। इसका जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि इंस्टेड ऑफ ऑलवेज प्रोसीडिंग अराउंड द पॉलीगॉन एजेस और वर्टिसेस आर प्रोसीड, वी समटाइम वांट टू फॉलो द विंडो बाउंड्रीज। इन्होंने विंडो बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट डाला कि विंडो बाउंड्रीज से हम इसको करेंगे। इसमें क्लॉकवाइज प्रोसेसिंग के लिए पॉलीगॉन वर्टिस के लिए दो रूल्स बनाए गए थे। इन दो रूल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। दो रूल्स कौन से थे, फॉर एन आउटसाइड टॉप इनसाइड पेयर ऑफ वर्टेक्स फॉलो द पॉलीगॉन बाउंड्री को फॉलो करना है आपने। अगर तो वो इनसाइड टू आउटसाइड है, अगर वर्टिस का पेयर हमारे पास जो वर्टिसेस हैं उनका जो पेयर है, अगर वो आउटसाइड से टॉप है और फिर इनसाइड आता है, ठीक है, आउटसाइड से टॉप फिर इनसाइड आ रहा है, तो हमें पॉलीगॉन बाउंड्री यूज़ करनी है। अगर तो वो इनसाइड टू आउटसाइड पेयर बन रहा है तो फिर हम विंडो बाउंड्री को यूज़ करेंगे, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने एक आपको फिगर भी दी है जिसके अंदर इसने आप लोगों को ये दिखाया हुआ है किस तरह से ये होगा, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके देख लेते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के डायग्राम्स होती हैं, वो आपके पेपर में नहीं आती, क्योंकि वो इस तरह से आपको बना के नहीं दे सकते। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इन्होंने दरमियान में ड्रॉ कर दी है। ये हमारे पास एक पॉलीकोन है जो बिल्कुल एक बंद शेप होती है, दरमियान में एक लाइन बना दी गई है। और अब आप इसके देखें, कुछ पॉइंट्स इनसाइड से हैं, कुछ पॉइंट्स इसके आउटसाइड आ रहे हैं, तो इस तरह से इसको फिर क्लिप किया जाता है। तो इसको दिखाया नहीं है आपको कि कैसे इसको क्लिप करना है। तो आपको बस कुछ एल्गोरिदम बताए हैं, आपने बस इनके ये नाम याद रखने हैं कि कौन सा एल्गोरिदम है जो कॉनकेव के लिए बेस्ट है, कौन सा एल्गोरिदम है जो कन्वेक्स के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 15 जो है वो कवर हो गया। लेक्चर नंबर 11 से लेके 15 तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो चीज़ें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, हमने वही डिस्कस की हैं। अगर आप फिर भी डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये शॉर्ट भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यूट्यूब पर जाएँ, इन टॉपिक्स को वन बाय वन सर्च करें और डिटेल में अंडरस्टैंड करें और डिटेल में पढ़ें, ठीक है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पेपर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ना, वो हमने इस लेक्चर के अंदर कवर कर दी हैं। जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट थे, जो शॉर्ट लॉन्ग आपको आते हैं पेपर में, जो हर दफ़ा आते हैं, हमने सिर्फ वही डिस्कस किए हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आया है या नहीं आया, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर जो बनाए थे उस पर काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था, तो इसलिए मैंने बाकी लेक्चर भी इसे कंप्लीट किए हैं। अब इसकी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका बाकी के लेक्चर्स भी कवर करेंगे, ताकि आपकी मिड टर्म की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।